अद्वित महाजन और अक्षता मुद्गल क्या वाकई एक साथ आने वाले हैं या नहीं, तो गैस वो सब बताऊंगी अपने आज के इस वीडियो में। चलते बिना किसी लंबी बहस के अपने आज के इस टॉपिक पर। तो गैस अगर हम अद्वित के बारे में बात करें तो उन्होंने दिव्य दृष्टि में वो हमें नजर आए थे, तो वो नागिन 3 का भी हिस्सा रह चुके हैं। जी हाँ, इन्होंने बहुत से सीरियल किए हैं जिसमें नागिन 3 और दिव्य दृष्टि भी आता है। लेकिन हम बात करें हम मतलब को अक्षता मुद्गल की, तो उन्होंने इश्क पर जोर नहीं में काम किया था जिसमें उन्होंने इश्की का किरदार निभाया था और लोगों ने इनको खूब पसंद भी किया था। उसके बाद इन्होंने इस मोड़ से जाते हैं में काम किया था। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि दोनों ही सीरियल ऑफेयर हो चुके हैं, उसके बाद अक्षता मुद्गल हमें कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन गुड न्यूज यही है कि अक्षता मुद्गल और अद्वित बहुत जल्द एक साथ हमें नजर आने वाले हैं। जी हाँ, वो भी रोमांस करते हुए, यानी कि वो हमें बहुत जल्द एक साथ एज अ कपल हमें नजर आने वाले हैं, वो भी एक सॉन्ग में। जी हाँ, अब वो सॉन्ग वाकई ही इनके पास ऑफर जा चुकी है या नहीं ये तो मैं आपको बता देती हूँ। गाइस, अभी तक उनके पास ऑफर नहीं गई है। मेकर्स ने सिर्फ डिसाइड किया है कि अद्वित और अक्षता को ही इसमें मतलब लेंगे, क्योंकि जिस तरह का वो सॉन्ग है उसमें वो दोनों शूट कर रहे हैं। इसलिए जैसे ही उनके पास ऑफर जाएगी तो देखते हैं कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। क्योंकि गाइस जाहिर सी बात है कि अद्वित भी एक मतलब फेमस सेलिब्रिटी है, तो अक्षता मुद्गल भी फेमस है और दोनों के पास ही आगे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए शायद वो शायद इस सॉन्ग को ओके करें या नहीं करें, ये तो खैर तब पता चलेगा जब इनके पास ये ऑफर जाएगी। सो गाइस, आपको लगता है कि अद्वित और अक्षता मुद्गल इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर करेंगे तो आप लोग इन दोनों को एक साथ देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा।